डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी में हमें बहुत सारे वोल्वरीन के वेरिएंट्स देखने को मिले जो कि सीधे सीधे कॉमिक्स से उठाए गए थे सिर्फ एक को छोड़ के। कौन है वो उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब पहले ही कर दिया करो यार। 99.1% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया है। बोलता नहीं हूँ तो करते भी नहीं हूँ तुम। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो जब डेडपूल उसके यूनिवर्स के वोल्वरीन की खोज में निकलता है तो उसको वहाँ पर सिर्फ उसका स्केलेटन मिलता है। अब वैसे तो ये वोल्वरीन अर्थ 10005 का है, यानी कि 2017 की लोगन मूवी वाला, जो कि जैसा हमने देखा था कि लोगन मूवी की फाइनल फाइट में मर गया था। लेकिन इस वोल्वरीन को इस मूवी में एक स्केलेटन के तौर पर दिखाया गया है, जो कि एक रेफरेंस है कॉमिक्स को वोल्वरीन 2003 कवर नंबर 48, जहां पर हमने वोल्वरीन का एडमेंटियम स्केलेटन देखा था। अब जब डेडपूल को पता चलता है कि उसके यूनिवर्स का वोल्वरीन तो सच में टैब बोल गया है, तो वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करने लगता है एक ढंग के वोल्वरीन को ढूंढने के लिए, जिससे कि वो उसके यूनिवर्स के वोल्वरीन को उससे रिप्लेस कर दे। सबसे पहले वो वोल्वरीन के वेरिएंट शॉर्ट किंग वोल्वरीन से मिलता है। ये वेरिएंट एक्चुअल में वोल्वरीन की असली हाइट को रिप्रेजेंट करता है जब पहली बार उसको कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉमिक्स में ये हाइट वैसे तो 5 फुट और 3 इंच की है, लेकिन इसको यहाँ पर और भी ज्यादा छोटा कर दिया है जस्ट टू मेक हिम लुक फनी। और यहाँ पर इसको ह्यूज जैकमैन ने ही प्ले किया है, जिसको सीजीआई की मदद से बोना कर दिया गया है। मूवीज में वोल्वरीन को कभी भी इतना ज्यादा छोटा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स छोटा वोल्वरीन ज्यादा एग्रेसिव और खूंखार नहीं लगता। इसलिए एज ए क्रिएटिव चॉइस उन्होंने वोल्वरीन को एक लंबे एक्टर यानी कि ह्यूज जैकमैन से कास्ट किया, जिनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। इस बौने वोल्वरीन को देखकर डेडपूल कहता है कि अडल्ट मूवी के बाल कलाकार अपना गाना बजाना चालू रख, और वहां से दूसरे वोल्वरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इस लंबे बाल वाले झबरे वोल्वरीन से, और ये वोल्वरीन कॉमिक्स के हिसाब से अर्थ 295 में एग्जिस्ट करता है, और इसको एज ऑफ अपोकलिप्स वोल्वरीन भी बुलाया जाता है। ये वोल्वरीन का वेरिएंट सबसे ज्यादा डेंजरस वोल्वरीन माना जाता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका हाथ कट चुका है और इसने एक मेटल आर्म पहना हुआ है जो कि एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। इस अर्थ पर इस वेरिएंट को वोल्वरीन नहीं बुलाया जाता, बल्कि इसको एक कोड नेम दिया जाता है, वेपन एक्स। जब ये सरफेरा वोल्वरीन डेडपूल को मार मार के उसका कीमा बना देता है, तो डेडपूल इस काणे वोल्वरीन के पास जाता है। इस वेरिएंट को वोल्वरीन का पैच वेरिएंट बोला जाता है, क्योंकि इसने इसकी आंख पर एक आई पैच पहना होता है। बेसिकली ये वोल्वरीन 80s की कॉमिक्स से है, जब ये शहर में छुप के काम किया करता था, तो इसलिए इसने एक भेष धारण किया था जिसमें ये एक व्हाइट सूट, ब्लैक बो और ये आई पैच पहनता था। और फिर गुस्से में जब ये वोल्वरीन डेडपूल के सर में खंजर घोंप देता है, तो डेडपूल एक हट्टे कट्टे वोल्वरीन वेरिएंट से मिलने के लिए जाता है, जिसका डोला देखते ही डेडपूल का ईमान डोल जाता है। और जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता है, जो कि होती है हेनरी कैविल की, वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके जोका जोक करने लगता है। मैं इसी वोल्वरीन वेरिएंट की बात कर रहा था जो कि कॉमिक्स में नहीं है, बल्कि एक फैन सर्वड वोल्वरीन है, जिसको पॉप कल्चर में हम सब ने कैल्वरीन का नाम दिया है, और डेडपूल इसको इस मूवी में यूज भी करता है। और फिर वो डीसी वालों को रोस्ट करने से रुकता नहीं है, जहां पर वो हेनरी से कहता है कि हम तुम्हें इन चिंदी चोर प्रोड्यूसर से काफी ज्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे, जो कि एक रेफरेंस था कि किस तरह से डीसी वालों ने हेनरी कैविल को ट्रीट किया था एज सुपरमैन। डेडपूल ये भी कहता है कि लाल दुपट्टा तो तुम्हें पहनना ही होगा, लेकिन इतने में ही कैल्वरीन इतने गुस्से में डेडपूल को पंच करता है कि डेडपूल दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। बस अब ये नहीं पता कि मार्वल वाले हेनरी कैविल को फ्यूचर मार्वल मूवीज में एज वोल्वरीन भी यूज करेंगे या नहीं। मेरे मायने में तो हेनरी कैविल को फ्यूचर मार्वल मूवीज में भी फीचर होना चाहिए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हमें गांव में बैठा हुआ ये रंपा वोल्वरीन देखने को मिलता है। ये ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स को सीधा रेफरेंस है, जिसको कॉमिक्स में अर्थ 801728 बोला जाता है, जिसको मार्क मिलर ने क्रिएट किया था। ये काफी ज्यादा पॉपुलर वोल्वरीन वेरिएंट है, और 2017 की जो लोगन मूवी थी ना, वो इसी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड थी। फिर हमें कॉमिक हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कवर्स वाला वोल्वरीन देखने को मिलता है, जहां पर वोल्वरीन को लेटर एक्स पर क्रूसीफाई किया हुआ है। मार्क सिल्वेस्टर ने ये कवर डिजाइन किया था अनकैनी एक्समैन कॉमिक नंबर 251 के लिए, और इस स्टोरी में एक लड़ाई के बाद लोगन को क्रूसीफाई कर दिया जाता है लेटर एक्स पर रिवर्स के द्वारा, जिनको लीड कर रहे थे व्हाइट किंग और लेडी डेथ स्ट्राइक। इस वोल्वरीन वेरिएंट को देखकर डेडपूल कहता है कि जब तुम फेरे ही नहीं ले सकते तो तुम स्वागत कैसे मनाओगे, और इसलिए वो वहां से दूसरे वोल्वरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां पर हमें एक और बहुत बड़ा कैमियो देखने को मिलता है, जो कि होता है हल्क का। तो ये वोल्वरीन आइकॉनिक ब्राउन और येलो सूट वाला वोल्वरीन है, जो कि हल्क से फाइट करने ही जा रहा होता है कि तभी उन दोनों के बीच में डेडपूल आ जाता है। लेकिन हल्क गुस्से में डेडपूल को इतनी जोर से चमाट मारता है कि डेडपूल एक साइड चिपक जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वोल्वरीन तैयार होता है हल्क से लड़ने के लिए। और वहीं पर हमें एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक फ्रेम देखने को मिलती है, जहां पर हम एक रोर करते हुए हल्क का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं वोल्वरीन के क्लॉज में, जो कि कॉमिक्स को एक सीधा रेफरेंस है इनक्रेडिबल हल्क नंबर 340 को। ऑल्दो उस समय उस कॉमिक्स में हल्क अपने ओरिजिनल कलर ग्रे में था। बहुत लोग कह रहे थे कि ये हल्क नॉर्टन का हल्क है, लेकिन मुझे तो कहीं से भी ये नॉर्टन का हल्क नहीं लगता, ये मार्क रफेलो का ही हल्क है। और ये जो रोर वाला फेस है ना हल्क का, ये रोर थॉर रैग्नारोक वाली लगती है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आखिरी वोल्वरीन वेरिएंट जो कि हमने इस मूवी में देखा, वो ये मेन वोल्वरीन है जो कि इस मूवी का हिस्सा था, और अब इसने डेडपूल के यूनिवर्स यानी कि अर्थ 10005 में लोगन की जगह ले ली है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल जरूर लगी होगी। इस वीडियो पर क्लिक करके डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी की फुल स्टोरी एक्सप्लेन देख लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और
तब तक के लिए देखते रहिए सुपर नेस्ट।